साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य
त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः नित्य गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनावरः नमो घातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीतिते विनय करै सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करै हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महा सुख दी जय जैसे कूद सिंधु मही पारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका जाय विभीषण को सुख दीना सीता नि रखी परम पद लीना पादु जारी सिंधु मह बोरा अति आतुर जम कातर तोरा अजय कुमार कुमारी संहारा लूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुरपुर मह भाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर हनु हनु हनुमंत हटीले बैरी मारू वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरी मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो वज गदा हनु विलंब न लावो ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु हरि उर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाए के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा पूजा जब अपने में अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा अनुपवन मग गिर गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही पाए परो कर जोरी मनावो यही अवसर अब कही गोहरामो जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हे मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो
ताकी शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा, चरण शरण करी जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं दोहरावो। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परो कर जोरी मनाई, ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संत सामी पराने खल दल, अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। बजरंग बाण जही मारे, ताही कहो फिर कौन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे, रूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपी धजे, सदा धरे उर ध्यान, देहि के कारज सकल सुभ, सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। संकट नाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यपठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिञ्च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम् श्री गणपति स्तोत्रम् संपूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माताजी एवरीवन। श्री माताजी की असीम अनुकंपा में आज एक बार फिर से हमको ये सुअवसर मिला कि हम सामूहिक रूप से अपनी कुंडलिनी माँ को
जागृत अवस्था में अपनी आत्मा को प्रकाशित अवस्था में अनुभव कर सकते हैं। अपने चित्त का प्रसार हम धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश में, अंतरिक्ष में, शून्य में कर सकते हैं और उसी चित्त को हम अपने सहस्रार से भीतर अपने सब चक्रों पे भी अनुभव कर सकते हैं। जितनी चाहे दूर चित्त को ले जाए, ब्रह्मांडीय स्थितियों में चले जाए, किसी के भी अंदर प्रवेश कर जाए। अपने चित्त से हम सत्य जानते हैं, अपने चित्त से हम आनंद में रहना जानते हैं, क्योंकि हमें चित्त निरोध आता है, क्योंकि ये चित्त निरपेक्ष साक्षी भाव में है। इसे कोई आसक्ति नहीं, न सुख से न दुख से। इतने शक्तिशाली चित्त में परम चैतन्य निवास करते हैं। ऐसे सभी उच्च श्रेणी के साधकों को, जिन्होंने माँ का ही आशीर्वाद पाया, मैं सादर नमन करती हूँ और आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की इस गहन ध्यान की श्रृंखला में हम सभी लोग पूरी तरह से स्थिर हो जाएंगे, ताकि हम माँ की अमृतवाणी को सुनने योग्य बने। एकदम स्थिर और शांत, शरीर एकदम ढीला, एकदम ढीला, जिससे परम चैतन्य हमारे अंदर बह सके। पूरा सर ढीला, अंदर और बाहर कोई तनाव नहीं। गर्दन भी एकदम ढीली, अंदर और बाहर से। कंधे, पूरी पीठ एकदम ढीली। पूरा चेस्ट एकदम ढीला। पेट और पेट के नीचे का हिस्सा ढीला छोड़ देंगे। कटि क्षेत्र एकदम ढीला छोड़ते जाएंगे, छोड़ेंगे, सरेंडर करेंगे सब परम चैतन्य को। पूरी तरह से समर्पण देंगे। पूरी लेग्स, नीज, काव्स, फीट, कंधे, दोनों हाथ और हथेलियां सब ढीले, एकदम ढीला छोड़ देंगे शरीर को। एकदम निष्क्रिय हो जाएंगे, परम चैतन्य को अपने भीतर आने देंगे। सरलता से, कोई अवरोध नहीं। पूरी तरह से निर्विचार, निष्क्रिय परम चैतन्य जो बरस रहे हैं ऊपर से, उनको अपने अंदर हर कोशिका में प्रवेश करने देंगे। भीगते ही रहेंगे, एकदम शांत, स्थिर, निष्क्रिय।
आज तक ऐसा कहीं भी अनुभव किसी ने किया नहीं। इतने जोरों में ये एक्सपेरिमेंट कभी भी सक्सेसफुल कभी भी संसार में नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी इस संसार में बहुत बार आ चुकी हूँ और इस कार्य को करने का मैंने बहुत बार प्रयास किया। पहली मर्तबा इस जन्म में ये कार्य सफल भी हुआ। इसलिए सब में थोड़ा थोड़ा अधूरापन जो रह गया है उसको आपको पूरा करना है। आप उसी अधूरेपन को कंप्लीट करने के लिए आए हुए, किसी को आप गिराने या घटाने नहीं आए, लेकिन उसमें जो कुछ थोड़ा बहुत अधूरापन रह गया है उसको आप पूरा करने के लिए। अब आप सोचे कि एक नए जमाने के नए स्टार के एक नए लोग आप और सारे संसार के लिए आपको मार्गदर्शन कर। इसने रियलाइज लोग एक छत के नीचे बैठ करके इस परम शक्ति को पा रहे हैं। इतनी बड़ी भारी शक्ति आपके अंदर से विशेष रूप से प्रवाहित है और लोगों के अंदर से नहीं है संसार, ये आप जानते हैं। इसमें कोई आपको अब शंका नहीं रहेगी। जिनको थोड़ी बहुत शंका है इसका कारण ये कि वो अभी अभी पार हुए, इसलिए थोड़े दिन में उनको भी नहीं रहेगी। तब ये जरूरी हो जाता है कि आप अपनी विशेषता को समझें। सबसे बड़ी विशेषता आपकी यह है कि आपको एक फोर्थ डायमेंशन आ गया है। कौन सा फोर्थ डायमेंशन आ गया? जो चैतन्य शक्ति आपके अंदर प्रवाहित है उसमें आप खड़े हुए हैं। अब आप इसमें से उसमें कैसे जा सकते हैं, ये बड़ा महत्व का पॉइंट है, आप समझ। अब इसमें आप किस तरह से उसमें उतर सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं, ये बड़ा महत्व का पॉइंट। अब आप देखिए, अगर अपने चित्त की ओर तो आप देखेंगे कि इसमें एक तरह का एक्सपेंशन होता है और ये ऐसे अंदर खींचता भी है। अपने चित्त की ओर देखिए, अपने चित्त की ओर देखिए, ये ऐसा लगता है जैसे कहीं जैसे किसी चीज पे जाता है और आप चाहे तो उसको हटा सकते, उसका एक्सपेंशन हो रहा है और उसको आप खींच सकते हैं। जैसे कि कोई गुब्बारा होता है या उसको मराठी में फुगा कहते हैं, उसको आप फुगा दीजिए तो वो ऐसे जाएगा और फिर अंदर ही खींच। इसी तरह से आप अपने चित्त की ओर दृष्टि रखें, आपका चित्त जो है वो किसी भी चीज की ओर जा भी सकता है और वहां से लौट भी आ सकता। ख्याल करें, देखिए हमारा चित्त किसी वस्तु मात्र पे गया। जैसे समझ लीजिए आपका चित्त है कि एक साड़ी पर, अब साड़ी पर गया और आप उससे अपना चित्त खींच सकते हैं। अपना चित्त आप जैसा भी चाहे उसे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और उसको जहां तक चाहे उसको पहुंचा सकते हैं। पर आप पूरे समाय हुए बीच में, जैसे एक समुद्र हो, समुद्र में से पानी बढ़ता हुआ हर एक किनारे पर जाता और फिर खींच जाता, लेकिन वो बीचों बीच समुद्र का सारा उसका अपना वास्तव्य, जो वास्तव्य है, जो इजनेस है, जो होना है वो अंदर, और उसका जो रिएक्शन है वो अवेयरनेस है, चेतना, वो जाती है किसी चीज से, किसी से और लौट आती। इसी से आप डिटैचमेंट सीखे। किसी चीज से हम कहें आप डिटैच हो जाइए। अभी जैसे यहाँ वो गाड़ी आई, एक छोटी सी, उसमें से बदबू आ रही, पहले सबको बदबू आ रही, ठीक है, आप उस बदबू की ओर अपना चित्त ले जाइए तो बदबू आ रही है, और चित्त हटा लीजिए तो बदबू नहीं। डिटैच करने की शक्ति आपके अंदर आ गई। धीरे धीरे आप अपने चित्त पे प्रैक्टिस कर। आदमी है सब चीजों से, सब सर्वधर्म संपन्न से बैठा हुआ, उसके बीच में बैठा, सब चीजों की ओर देख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये भी है, ये भी है, लोग कहते हैं सब मेरा है, उसके ओर अपना चित्त डालिए। और जैसे उसके ओर आप चित्त डालेंगे आप जान जाइएगा कि मैं इससे चित्त भी हटा सकता, किसी में आपका चित्त इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और अब जो भी आप उसके प्रति जो भी आप प्रेम जोड़ेंगे या कुछ भी करेंगे वो सिर्फ उसको चक्कर मार कर वापस आ जाएगा, लेकिन लिप्त नहीं होंगे। इसको समझ लो,
पहले आप विचारों से किसी चीज को जब देखते थे तो आप जैसे यहाँ से कोई चीज चलती है तो वो पूरी की पूरी चलती रहेगी और इसकी परिधि बनी रहेगी, वो अपने अंदर लिखती है। लेकिन अब यहाँ से जो छूटेगी गोल घूम करके फिर आपके तरफ आ जाएगी, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, खाली है। कहीं वो उसको जकड़ेगा नहीं, ममत्व इस तरह से छूटता है हर एक शरीर मन बुद्धि का तो छूटता ही है, लेकिन और भी जितने कृत्रिम हमारे अंदर बहुत सारे, हम सिर्फ मानव है पहले और आखिर और हमेशा। ये जो सत्य है ये सत्य भी इस तरह से छूटता है क्योंकि हमने अपना ममत्व जो है उसको तोड़ा। और ममत्व तोड़ने का तरीका ध्यान का यही है कि आप अपने चित्त को हर समय उसको बढ़ाएं, उसका मजा देखें। अब बढ़ गया वहां तक गया और फिर आप उसको वापस ले, आपकी विशेष शक्ति आपको रियलाइजेशन के बाद में आई। अभी तक मैंने पहले बताया है बातें बहुत सारी जो पहले इसमें मैंने आपको बताया था, उसके अलावा आप इस बात का ख्याल करें जो डीपर मेडिटेशन में आपको जो करना है वो अपने चित्त वृत्ति का एक्सपेंशन और उसका खिंचाव। अब जब आप खिंचाव और एक्सपेंशन अपना करने लग जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आपकी गहराई जो है वो बढ़ती। एक ऐसा सोचिए कि गेहूं अगर खूब सारा आपने यहाँ फैला दी, बहुत सारा गेहूं जिस आदमी ने फैला दिया उसका फैलाव ज्यादा होगा, फिर आपने गेहूं इकट्ठा करके उसको ऐसा बड़ा कर, उसकी ऊंचाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो उसी तरह से जब आपने सारा की सारा अपने को समेट लिया अपने चित्त को तो देखिए अंदर की गहराई पर, और ज्ञान आते गया। ज्ञान क्या आया कि हंसी आने लग गई कि अरे मैं इसमें लिपटा हुआ था, ये भी कोई निपटने की चीज है, ये भी कुछ माने ऐसा लगेगा कि कोई खास बात है ही, कोई ऐसी विशेष संसार की ये बातें हैं। अपने यहाँ का एक लड़का है पार हो गया था, वो इंटरव्यू में गया, जब लौट के आया तो मैंने कहा भाई हुआ कि नहीं हुआ, कहले मुझे लग नहीं रहा कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, होगा तो होगा नहीं होगा तो बाद में सिलेक्शन होगा। तो वो जो बोर्ड वाले थे उन्होंने मुझे बताया कि साहब ये लड़का अजीब कमाल का कि बिल्कुल डरा नहीं, कुछ नहीं आया से बात कुछ उसे साफ साफ बात कह दी, जो कुछ थी कह दी और चला गया डरा नहीं। तो ये कैसे क्या हो गया? मैंने कहा भाई देखिए हमने कहा था ना कि वो रियलाइज है, आप देखिएगा उसको विशेष रूप से आप एग्जामिन करेगा कि क्या विशेष बात। वो कहा कि हमने उसमें यही बात देखी कि वो आया उससे जो सवाल पूछा सीधे सीधे जवाब दे दिया, ना उसमें छल ना कपट ना कुछ नहीं, साफ साफ बात कह रही कि ये बात है ऐसी ऐसी बात, और फिर इस तरह से खड़ा रहा मानो लेना हो तो ले तो नहीं शान रखा, ना तो उसने हमारा कोई किस तरह का कभी अपमान किया और नहीं कोई उसने उसने बड़ाई ज्यादा हमारे पीछे में दुम हिलाते खड़ा रहा। चित्त भी ऐसा ही है, जब चित्त में विकृति रहती है क्योंकि तो मनुष्य में दिव्यता तभी आती है जब वो पार हो जाता है, जब उसका चित्त हर जगह में उलझा रहता है तो उसके चित्त में विकृति आती है। समझ लीजिए कि जैसे कोई ये आपने देखे होंगे बहुत से पेड़ों में से ऐसे जिसको टेंडल्स कहते हैं वो निकलते हैं, खासकर जो कि चढ़ने वाले ये होती हैं बेलें, उनमें से ऐसे निकल करके वो इसको पकड़ लेती फिर उसको पकड़ लेती फिर उसको पकड़ लेती है, तब वो बेचारी धीरे 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 ऊपर चढ़ती। उसी तरह से जो मानव पार नहीं हुआ रहता है वो भी कभी इसको पकड़ता है इसको पकड़ता है इसको पकड़ता है, इस तरह से वो अपने को खड़ा करता है किसी तरह से। कभी तो सोचता है कि अरे मेरे पास पोजीशन नहीं है तो मैं दुनिया में कैसे चलूंगा, अरे मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं दुनिया में कैसे चलूंगा, अरे मेरे पास ये नहीं तो मैं दुनिया में कैसे चलूंगा। लेकिन जो पेड़ अपनी तनाव पे खड़ा हो जाता है वो स्वतंत्रता में अलग से। लेकिन यही बात आपके साथ भी हो रही, आप अपनी तनाव पे खड़े हैं ही लेकिन भय के कारण आप अपने अंदर से टेंटिकल निकाल करके टेंटिकल निकाल करके इसको पकड़ रहे हैं इसको पकड़ रहे हैं इसको पकड़। जैसे आपको पता आप तनाव पे खड़े हैं ये आपको दूसरी बात है। पहली तो ये कि चित्त का निरोध नहीं करने का, इसको रोकने का नहीं, चित्त कहीं उलझेगा ही नहीं, आप कोशिश करें तो चित्त कभी उलझेगा नहीं। एक डीप मेडिटेशन में आप प्रयत्न करें, कोई सा भी बड़ा सा प्रश्न आ जाए आप उसकी ओर देखें और देखते ही साथ आपको आश्चर्य होगा कि चित्त जाता है और मौत आता है, चित्त कहीं उलझ नहीं। जय श्री माता जी। चित्त के इन प्रयोगशालाओं में जो गहन ध्यान में हम निरंतर करते हैं माँ ने
उसी के विषय में इस अमृतवाणी में बताया है। आइए फिर से आज एक बार अभ्यास करें कि चित्त के माध्यम से हम किस प्रकार से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं उसको देखने मात्र से ही, क्योंकि अब हम चौथे आयाम में है, फोर्थ डायमेंशन। परम चैतन्य हमारे चित्त के साथ सदैव आरूढ़ है। अपने चित्त को सबसे पहले अपनी आत्मा में रखेंगे। इस अभ्यास को हम निरंतर करते रहे बाएं हृदय के अंदर, अपनी आत्मा को ढूंढेंगे, अपने चित्त से गहरा उतर जाएंगे। एक प्रकाश, एक ठंडक, एक धड़कन ढूंढेंगे ढूंढेंगे माँ आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये मन बुद्धि अहंकार नहीं, मैं शरीर नहीं, शरीर को होने वाला कोई सुख दुख नहीं। साक्षी हूँ मैं आपकी माया का, आपकी लीला का। संसार भ्रम है और आत्मा मैं सत्य जानती हूँ। माँ मैं आत्मा हूँ। श्री सदाशिव का प्रतिबिंब हूं मैं, आत्मा हूं मैं, शिव 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 हूं मैं। अपने चित्त को पूरी तरह से आत्मा के प्रकाश में प्रकाशित होने देंगे पूरी तरह से, ओत प्रोत होने देंगे। और धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे, माँ जगदम्बा के दरबार में। समूचा ब्रह्मांड समाया हमारे मध्य हृदय में। ये जगत जननी जगदम्बा, आपको अनंत कोटि नमन। आपने हमें ब्रह्मांड के रहस्य कितनी आसानी से बता दिए हे माँ जगदम्बा। आपने हमें ब्रह्मांड का अंग प्रत्यंग बना दिया हे माँ जगदम्बा। आपने सभी देवी देवताओं को हमारे मध्य हृदय में स्थापित कर दिया। श्री गणेश विघ्नहर्ता श्री गणेश जी हमारे हर कोशिका में विद्यमान है। श्री गणेश जी कृपा कीजिए और मेरा आध्यात्मिक उत्थान सिद्ध कर दीजिए, पूर्ण कर दीजिए, इसे पूर्णता दीजिए। हे माँ जगदम्बा, आपके दरबार में श्री कार्तिकेय मेरा रक्षण करते हैं, मेरे दाएं मूलाधार पे भी विराजित है। श्री भैरवनाथ मेरी वीणा नाड़ी का रक्षण करते, तांत्रिकों से मेरा बचाव करते,
माँ जगदम्बा, आपकी कृपा से श्री हनुमान जी जागृत है मेरी पिंगल नाड़ी में, मेरा रक्षण करने हेतु हे जगत जननी जगदम्बा, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री जगदम्बा है, सब ग्रह नक्षत्रों की स्वामिनी है आप, पूरे विश्व में आप ही की जय जयकार है। ही मैं जगदम्बा, पूरे विश्व का एक अभिन्न अंग है, हम सब बच्चे जिनको आपने ही जोड़ा है माँ, हे जगत जननी जगदम्बा, आप ही विराट बनती है, मुझे विराट बना दी, आप ही विराट अंगना है, जगत जननी जगदम्बा को नमन करेंगे और उनकी समस्त शक्तियों के साथ अपने चित्त को उठाएंगे विशुद्धि से आज्ञा तक, अपने रुद्रों को महसूस करेंगे, हमारे एकादश रुद्र, श्री जीसस क्राइस्ट की कृपा से सब खुल रहे हैं, कल के हैं श्री जीसस क्राइस्ट, निष्कलंक कार्तिकेय और श्री गणेश जी के गुणों से सुशोभ है श्री जीसस क्राइस्ट, क्षमा की शक्ति प्रदान करते श्री जीसस क्राइस्ट, हमारा रिसरेक्शन संपन्न करते श्री जीसस क्राइस्ट को नमन, अनंत कोटि नमन। चित्त को ब्रह्म रंध्र पिलाएंगे, श्री माता जी के श्री चरणों को नमन करेंगे, स्पर्श करेंगे, माँ कृपा कीजिए अपने श्री चरणों से मुझे कृतार्थ करे, माँ इनसे बहते परम चैतन्य को मेरे भीतर मेरे हर कोशिका में भर दीजिए। श्री माता जी, मुझे इतना हल्का कर दीजिए कि मैं ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकूं, मेरा सर्वस्व आपको समर्पित, कृपा कीजिए श्रीमती जी, हे माता शक्ति, मुझे इस योग के बनाए कि मैं एकदम हल्की हो जाऊं। श्री माता जी के श्री चरणों में जो परम चैतन्य बह रहा है उसको बहने देंगे अपने पूरे शरीर में, भीगते रहेंगे परम चैतन्य से, माँ मेरा श्री सदाशिव से योग करा दीजिए, माँ
कृपा कीजिए। अपने चित्त को अर्ध बिंदु चक्र पे लाएंगे, उठाते जाएंगे ऊपर 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 बिंदु चक्र, महसूस करेंगे हरे चक्र की उपस्थिति, वलय चक्र, और ऊपर जाएंगे और ऊपर आकाश तक, आकाश से परम चैतन्य फैलने देंगे पूरे विश्व। हमारे चित्त से पूरे विश्व में परम चैतन्य फैलाएंगे। विश्व का मानचित्र चित्त में रखते हुए चित्त अमेरिका में रखेंगे, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, पूरा एशिया, रशिया, अफगानिस्तान, यूक्रेन, पूरा यूरोप, पूरा ऑस्ट्रेलिया, सब मनुष्यों के ऊपर परम चैतन्य फैला देंगे। सबके सहस्त्रार परम चैतन्य बरस रहा है, फेंकने देंगे सबको, फेंकने देंगे उनके मध्य हृदय तक परम चैतन्य जा रहा है। मध्य हृदय और सहस्त्र एक हो रहे, हृदय और बुद्धि एक हो रही, सारी नकारात्मकता नष्ट हो रही हमारे चित्त के द्वारा। परम चैतन्य हर हृदय में प्रवेश कर रहे, हर हृदय नेगेटिविटी हट की प्रेम फैल रहा है। पंच तत्वों में चित्त रखेंगे ताकि हमारा शेष कार्य वो पूर्ण करे। धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, आकाश के परे चले अंतरिक्ष, सभी ग्रहों को नमन करेंगे, सभी ग्रहों को मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्रमा, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, पूर्ण एकाकारिता, ग्रहों के साथ होने का करता, ऊपर चलेंगे अंतरिक्ष का भेदन कर शून्य सरोवर में, न धरती, न जल, न वायु, न अग्नि, न आकाश,
पूरी सृष्टि का बीज है, यहाँ सदाशिव है, यहाँ उनमें समा जाएंगे। समा जाएंगे। समा जाएंगे। धीरे से बाहर आएंगे, डिटैच करेंगे, श्री चरणों में संलग्न देंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु किसी भी जन्म में हुए मेरे अपराधों के लिए मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं शुद्ध आत्मा हूं, आपका ही प्रतिबिंब हूं मैं, अंश हूं मैं, आपके सेवक के लिए आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद हे परम पिता परमेश्वर। हम आपके अनंत कोटि देंगे, अनंत कोटि देनी है, धीरे धीरे नीचे आएंगे अंतरिक्ष में, आकाश में, आकाश से एक बार फिर से परम चैतन्य की वर्षा कर देंगे पूरे विश्व पर, पूरे विश्व को परम चैतन्य से सींच देंगे, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब में परम चैतन्य प्रवेश कर जाएंगे पूरी तरह। सब जगह से नकारात्मकताओं का अंत हो रहा है, प्रेम और सत्य सबके अंदर, सबके भीतर,
चित्त को सहस्रार से धीरे धीरे आज्ञा विशुद्धि और मध्य हृदय में लाएंगे और माँ जगदम्बा के श्री चरणों में नमन करेंगे। सभी देवी देवताओं को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारा सहयोग किया। सभी ग्रह नक्षत्रों को धन्यवाद करेंगे मध्य हृदय में, उन्होंने हमारा सहयोग किया। पंच तत्व जो हर पल हर क्षण साक्षी रहे, परम चैतन्य की वर्षा साक्षात्कार दिया जिन्होंने हमारे साथ, सबको अनंत कोटि धन्यवाद। हे मां जगदम्बा, आपकी शक्तियों से और आपके प्रेम से चित्त से कार्य सिद्ध हुआ, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद माँ जगदम्बा। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यही कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जी। 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 अलका बेटा, सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू अलका बेटा। जय श्री माता दीदी। बहुत ध्यान यात्रा, बहुत सुंदर। थैंक यू बेटा। जय श्री माता। जय श्री माता।